नमस्कार, मैं हूं हितेंद्र बदौलिया। अशोकनगर जिला मुख्यालय से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर करीला की पहाड़ी पर माता जानकी का मंदिर है। इस मंदिर के बारे में किंवदंती है कि यहां माता जानकी ने लव कुश को जन्म दिया था और इसे वाल्मीकि आश्रम के तौर पर भी मान्यता प्राप्त है। बहुत लंबे समय से यहाँ पर एक परंपरा है कि लोग यहाँ मन्नतें मांगने आते हैं और मन्नतें पूरी होने पर रंगपंचमी के दिन राई कराते हैं। ये राई कराने का जो सिलसिला है वो बढ़ते बढ़ते इस लोक मंच के तौर पर जो है व्यवस्थित हो चुका है। राई जैसे लोक नृत्य को मनाने, गाने या नाचने के लिए संभवतः ये विश्व का सबसे बड़ा मंच माना जाता है। इन दोनों कारणों के अलावा यहाँ की भीड़ और नृत्य के प्रति लोगों का आकर्षण बहुत गजब का होता है और यही कारण होता है कि एक दिन में मध्य प्रदेश में लगने वाले ये सबसे बड़े मेलों में से शुमार हो गया है। इस बार ये उम्मीद की जा रही है करीब 15 से 20 लाख लोग इस मेले में दर्शन करेंगे। माता जानकी के मंदिर में दर्शन करने वाले लोगों की भीड़ और उनका हुजूम इतना होता है कि न केवल अशोकनगर जिला बल्कि आसपास के जिले और पूरे प्रदेश सहित आसपास के कई सारे प्रदेशों के लोग इस दिन यहाँ आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और जिन लोगों की मन्नतें पूरी हो चुकी हैं वो राय भी कराते हैं। इस बार रंगपंचमी का मेला चुनाव के बीच में है, इसलिए जिला प्रशासन ने रंगपंचमी के इस मेले की तैयारियों के साथ साथ चुनाव की दृष्टि को रखते हुए भी कई सारी नए प्रयोग भी किए हैं। इस बार करीला मेले में आने वाले लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने कई सारे प्रयोग किए हैं, कई सारी व्यवस्थाएँ की हैं। करीब 1 किलोमीटर लंबा यहाँ एक बैनर लगाया गया है जो लोगों को मतदान के लिए जागरूक करेगा। इसके अलावा बैलून और भी दूसरी चीज़ें जिनमें बीपी पैड जैसे जो है यंत्र भी रखे गए हैं जो लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करेंगे, जागरूक करेंगे। इसके अलावा इतने बड़े मेले की व्यवस्थाएं बनाने के लिए अशोकनगर जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा सारी व्यवस्थाएं की गई हैं जिनसे लोगों को सहूलियतें उपलब्ध कराई जा सकें। इस पूरे मेले पर व्यवस्थाएं रखने के लिए इसको कई सेक्टरों में बांटा गया है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और उनकी सहूलियतों को दृष्टिगत रखते हुए कई सारी चीज़ों की, कई सारी व्यवस्थाओं की भी बात की गई है। साथ ही ऐसे कई प्रयोग भी किए गए हैं जो पहली बार यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अशोकनगर कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा ने बताया कि इस मेले को लेकर आसपास की जो सड़क हैं या आसपास की जो जिले हैं उनसे बात कर ली गई है, उनके अधिकारियों से बातचीत है। भीड़ के प्रबंधन के लिए भी यहाँ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। आने वाली सड़कों पर किसी भी तरह का यातायात जाम ना हो उसके लिए भी पुलिस की व्यवस्था की गई है। साथ ही लोगों को अच्छी तरह से दर्शन हो सकें और राय नृत्यांगनाओं को कोई परेशानी ना हो इसके लिए भी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का मेला है जो बहुत विशाल स्वरूप में होता है। मुझे बताया गया है कि यहाँ पे लगभग जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन हमारी होती है 20 से 25 लाख के बीच में होती है और बिल्कुल आसपास के शहरों से और प्रदेश से और अन्य पूरे शहर, पूरे जिले, देश भर से यहाँ पे पब्लिक आती है। तो बहुत ही विशाल समूह का यहाँ जनसैलाब उमड़ता है। इसको मेंटेन करना और इसका जो महत्व है, जैसा आपने बताया कि लवकुश जी का यहाँ जन्म हुआ था, सीता मैया यहाँ रही थी, उन्हीं की याद में वाल्मीकि ऋषि का ये आश्रम हुआ करता था, तो उसी उसमें इसका मंदिर का भी स्थापना हुई है। तो इसके लोग यहाँ के मान्यता बहुत है, अपने बच्चों के लिए या कुछ विश करना होता है तो उस मान्यता की पूर्ति के लिए आते हैं। और साथ में जो हम लोगों की प्राचीन चीज़ें हैं कि यदि बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद बधाइयाँ गाई जाती हैं, उसके तहत यहाँ पे जो हमारा नृत्यांगनाएँ होती हैं वो भी विभिन्न देश के विभिन्न कोनों से यहाँ आती हैं और वो नृत्य करती हैं और बधाइयाँ लोग जो भी यहाँ पर आते हैं श्रद्धालु वो अपनी मांग भी पूरी मन्नतें भी मांगते हैं और उनसे अपना नृत्य भी बधाइयों के रूप में करवाते हैं। बिल्कुल, हम लोगों ने 20 से 25 लाख का जो बताया गया उसी हिसाब से हमने तैयारी की है। यहाँ पे जितना हमारा तीनों तरफ से जो रोड्स हैं, जो एंट्री पॉइंट्स हैं उनको हमने व्यवस्थित कराया है, उनको ठीक कराया है और जितना हम लोग उसमें चिन्हित कर सकते हैं उनके एक्सीडेंटल पॉइंट ना बने उन सब की भी हम लोगों ने ध्यान रखा है। आसपास के रोड्स के शोल्डर्स इत्यादि पर भी हम लोगों ने वर्क किया है। मंदिर में जैसा आपने देखा कई सारे काम हुए हैं और अभी 24-25 तारीख में हमारे यहाँ सोलर पैनल की भी सेंक्शन आई है, वो भी हम लोग लगवाएंगे। हमने अपने आसपास के सभी जिलों से भी अनेक क्रेन है, जेसीबीज मशीन है, फायर ब्रिगेड्स हैं, एम्बुलेंस हैं, इन सब के लिए बात की है, मैन पावर की बात की है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वगैरह भी हमने अपने साथी जिलों को बोला है, जो पड़ोसी जिले हैं उनको बोला है और वो लोग उपलब्ध करा रहे हैं।
रंग पंचमी को करीला के मेले में लगने वाली भीड़ को मैनेज करने के लिए व्यवस्थाओं को जुटाना प्रशासन के लिए बड़ी कठिन बात होती है और इसी पूरी व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने के लिए बीते 15 दिन से जिला प्रशासन लगातार यहां काम कर रहा है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी और कठिन चुनौती होती है जिसको पूरा कर पाना एक बहुत बड़ा काम होता है। इस बार जिला प्रशासन ने इस पूरे मेला क्षेत्र को 6 सेक्टरों में बांट दिया गया है। सभी स्थानों पर अलग अलग स्तर के पुलिस कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। इस बार तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा उप पुलिस अधीक्षक के अधिकारियों को यहां पर लगाया गया है। इसके अलावा पूरे मेला क्षेत्र में CCTV से भी नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा किसी भी तरह की व्यवस्था खराब ना हो और लोगों को सहूलियत हो, इस सब के लिए भी पुलिस ने अतिरिक्त बल मंगाया है जिसको इस मेले में लगाया गया है। अशोकनगर पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत बताते हैं कि पूरा मेला व्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण हो इसके लिए तैयारी काफ़ी लंबे समय से की जाती रही है। माँ जानकी माँ का मंदिर जो बहादुरपुर के अंदर है, करेला माता मंदिर, उसमें पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई। जो 3 दिवस का मेला है 24, 25, 26 को, इन 3 दिवस में आप श्रद्धालु गणों का यहाँ पर स्वागत है। पुलिस की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे हर जगह की गई है। यहाँ पे पुलिस को व्यवस्था के लिए 6 सेक्टरों में पूरे परिसर को बांटा गया है। मंदिर परिसर की अलग व्यवस्था है, बैरिकेड्स पर्याप्त लगाए गए हैं, क्राउड कंट्रोल के लिए हमारे अच्छी व्यवस्था की गई है। तो आप अपनी जो है श्रद्धा का पूरा यहाँ पे अपना करके और अच्छा मंदिर का दर्शन करके, और पुलिस उसके लिए कटिबद्ध है। करीला मंदिर ट्रस्ट को लेकर लंबी मान्यताएं हैं या इस मंदिर को लेकर बहुत सारे लोगों की आस्थाएं भी हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां दर्शन करने आते हैं, राय देखने के लिए आते हैं। इस व्यवस्थाओं को जुटाने के लिए मंदिर ट्रस्ट भी साल भर से हमेशा प्रयास करता रहता है और जैसे जैसे मंदिर के बीच में लगने वाले जो छोटे छोटे मेले हैं वो, और राय मेला जैसा आता है करीला, तो उनकी व्यवस्थाओं को और चाक चौबंद कर दिया जाता है। इस बार करीला के दौरान या रंग पंचमी के दौरान जो मेला लगेगा उस दौरान मंदिर की साज सज्जा की जाएगी और लोगों की सहूलियत के लिए भी कई सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े अध्यक्ष बताती हैं कि साल भर तक जिन श्रद्धालुओं के लिए यह दरबार खुला रहता है, अचानक उसमें रंग पंचमी के दिन रौनक बढ़ जाती है और यही रौनक इस जिले की सबसे बड़ी पहचान भी बन जाती है। प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी मेले की संपूर्ण तैयारी पूरी कर ली गई है और लोग अपनी मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर यहाँ बधाई नृत्य करवाते हैं और दूर दूर प्रदेश से, कई प्रदेशों से यहाँ लोग आने लगे हैं। राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से भी यहाँ लोग आते हैं। इस बार हम लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से भी बैरियर्स भी बढ़ाए गए हैं कि पब्लिक को आने जाने में परेशानी ना हो। पिछली वर्ष 25 ड्रॉप गेट्स थे, इस बार 30 कराए गए हैं, जो और नए रास्ते बन गए उन पर भी ड्रॉप गेट्स लगेंगे और मंदिर को संपूर्ण मतलब पूरा डेकोरेशन से लेकर फूल से सजाया जाएगा। और इस बार पॉलीथिन मुक्त पूरा मेला रहेगा हमारा। जगह जगह बैनर्स लगाए हैं और हर जगह CCTV कैमरे भी इस बार बढ़ाए हैं। पूरे मेला परिसर में हमारे CCTV कैमरे से निगरानी रहेगी। करीला के राई मेले की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो यहाँ का मंदिर है। माता जानकी के इस मंदिर को लेकर जो किंवदंती है उसके साथ कई सारी और चीज़ें भी हैं जो इस मंदिर को बहुत महत्वपूर्ण और आस्था का केंद्र बनाते हैं। दरअसल यहाँ मन्नतें पूरी होने का एक बड़ा लंबा सिलसिला है और लोगों का मानना है कि माता जानकी का जीवित प्रसाद यहाँ मिलता है। किंवदंती जो है वो अपनी जगह है। उसके अलावा जो बहुत बड़ी बात मानी जाती है वो ये है कि इस बाल्मीकि आश्रम में माता जानकी भगवान राम के बगैर हैं। इस मंदिर में माता जानकी के साथ में लवकुश और महर्षि वाल्मीकि की मूर्तियां हैं और इसी मंदिर को ये खासियत है या ये प्रसिद्धि प्राप्त है कि यहाँ कम से कम संतान उत्पत्ति के लिए की गई मन्नतें अगर सच्चे दिल से मांगी जाती हैं तो वो ज़रूर पूरी होती हैं। लोक कथाएं या किंवदंतियों के अनुसार जो करीला आज है उसे वाल्मीकि आश्रम के तौर पर माना जाता है। कई जगह लिखा और सुना भी गया है कि महर्षि वाल्मीकि के इसी आश्रम में माता सीता ने अपना वनवास काटा था और इसी स्थान पर लव और कुश का जन्म हुआ था। लव और कुश का जन्म इस करील भले जंगल में हुआ था। ये बियाबान जंगल था जहां आसपास बहुत कम बस्ती हुआ करती थी और उस घनघोर जंगल में इन दो सुकुमार राजकुमारों का जन्म हुआ और इनके जन्म के बाद बताया ये जाता है कि अप्सराएं स्वर्ग से नृत्य करने आई थीं, माता सीता को बधाई दी थीं और जन्मोत्सव का जो आयोजन मना था, संभवतः उसके बाद ये कहा जाता है कि माता सीता ने वरदान दिया था कि इस स्थान पर आकर जो भी अपनी संतान की प्राप्ति की मन्नतें मांगेगा
अगर सच्चे दिल से उसने मुराद मांगी है तो उसकी मन्नतें ज़रूर पूरी होती हैं। यही इस मंदिर का आकर्षण है और यही इस मंदिर का सच है जो इसको इतना प्रसिद्ध बनाता है। और इसके बाद सदियों से लोग यहाँ मन्नतें मांगते रहे संतान के लिए और कई हज़ारों लोगों की ये मन्नतें पूरी हुई। मन्नतें पूरी होने के बाद यहाँ राई नृत्य कराया जाता था। इतना भर इस मंदिर का इतिहास है, ये ही धार्मिक आस्था का मामला है। और दो ही तरह के लोग सदियों तक इस मंदिर में आते रहे, जो मान्यताएं मांगते थे और मान्यताएं पूरी होने के बाद उसके पूर्ति के लिए राई गवाते थे, राई कराते थे। इसके बाद भी कई सारी ऐसी किंवदंतियाँ, कहानी या दूसरी चीज़ें राई मंदिर से जुड़ी हैं जो यहाँ के अलौकिक और देवीय वातावरण को तो बताती हैं, साथ ही कई चमत्कारिक घटनाएं भी इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। करीला धाम माता जानकी जी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ माता जानकी जी वाल्मीकि जी के साथ प्रतिमा के रूप में दर्शन देती हैं। यह स्थान प्राचीन काल से वाल्मीकि आश्रम के नाम से प्रसिद्ध रहा है। कहते हैं, जनश्रुतियों में है कि जब वाल्मीकि आश्रम पर सीता जी को लक्ष्मण जी द्वारा छोड़ा गया तब वहाँ लवकुश का जन्म हुआ। जब वहाँ लवकुश का जन्म हुआ तो उस उपलक्ष्य में देवलोक से अप्सराओं ने नृत्य किया और बधाइयाँ गाईं। तत्क्षण ही माता सीता ने आशीर्वाद दिया कि यहाँ जो भी स्थान को आएगा वहाँ उसको संतान की प्राप्ति होगी। और उसी क्रम में प्राचीन काल से ही परंपरा रही है कि जो तो संतान नहीं होती वो एक बार माता जानकी के आश्रम में, वाल्मीकि आश्रम में करीला धाम पहुंचकर अपनी मन्नत मांगता है और जब उसको संतान प्राप्ति होती है वह पुनः मन्नत के अनुसार वहाँ राय नृत्य का आयोजन करता है और बधाइयाँ कराता है। इस मेले का जो सबसे बड़ा आकर्षण होता है वो राई नृत्य होता है। एक नृत्य साधना मान लीजिए या लोक मंच में ऐसा जिस पर नृत्य की सबसे बड़ी साधना होती है उसको देखने के लिए, और उसमें भी कोई एक दो राई नहीं या एक दो नृत्यांगनाएं नहीं, सैकड़ों नहीं बल्कि करीब 2 से 2500 नृत्यांगनाएँ, करीब 15 लाख लोगों के साथ एक साथ एक रात में जब इतना बड़ा आयोजन करती हैं तब ये विश्व का सबसे बड़ा लोक मंच बनता है राई जैसे लोक नृत्य के लिए। और संभवतः ये किसी भी तरह के संगीत कार्यक्रमों के तौर पर देखा जाए या नृत्य का कार्यक्रमों के तौर पर देखा जाए तो एक सबसे बड़ा आयोजन भी हो जाता है। न केवल बड़ा आयोजन हो जाता है मगर लोगों के मन में इस नृत्य को लेकर एक बड़ी कशिश भी है, एक आकर्षण भी है। आखिर क्यों लोग इसके पीछे इतने पागलपन की तो हद तक रहते हैं, इसको देखने के लिए इतने लालायित क्यों रहते हैं, ज़रा देखिए इसकी पूरी कहानी। अशोकनगर जिले के करीला का जो मेला है, इस मेले की कई यूं खासियत हैं जिसकी धार्मिक महत्व तो आप लगभग जान ही चुके हैं। दूसरा सबसे बड़ा मामला इसको राई नृत्य को लेकर होता है। संभवतः किसी भी लोक नृत्य को ये उपस्थिति या इतनी प्रसिद्धि हासिल नहीं है कि उसके लिए विश्व का सबसे बड़ा मंच सजता हो। एक अनुमान के अनुसार तकरीबन 5000 से अधिक नृत्यांगना एक रात में इस मेले में अपनी जो है नृत्य पेश करती हैं। शायद ये अपने तरह का अलौकिक वातावरण होता है और सबसे बड़ा मंच इसीलिए कहा जाता है कि इतनी बड़ी संख्या में बिना किसी संगठित व्यवस्था के इस तरह का आयोजन हो पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लोक कलाओं को जीवित रखने का भी ये मेला एक बहुत बड़ा माध्यम है। दरअसल राई को लेकर जो कहा या सुनी वाली चीज़ें हैं या जो थोड़ी बहुत प्रागत ऐतिहासिक तौर पर चीज़ें सामने आई हैं उसके अनुसार राई का कोई धार्मिक या शास्त्रीय उदाहरण तो नहीं मिलता, पर लोगों का ये मानना है कि इस नृत्य की जो शैली है वो घरों में मथनी जो होती है, मही बहाने वाली या मक्खन निकालने वाली जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में अरई या रई कहा जाता है, विद्वानों का ये मानना है कि उसी रई का अपभ्रंश ये राई है और मूल रूप से ये बुंदेलखंडी शैली का है। बुंदेलखंडी शैली में इसलिए इसको माना जाता है कि इस राई के दौरान जो चीज़ें होती हैं उनमें स्वांग होता है, ख्याल होता है और बधाई होती हैं, और ये तीनों ही शुद्ध मूल बुंदेली शैली में होती हैं इसलिए उसे बुंदेली कला या बुंदेली शैली की राई नृत्य माना जाता है। राई की कई सारी विशेषताएं हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल जिन लोगों
जिसने शास्त्रीय तौर पर या नृत्य के तौर पर चीज़ों को समझना या जानना शुरू किया होगा, उनके लिए कई सारे नृत्यों की जगह राई नृत्य अपने आप में एक अलग चीज़ लगती है। दरअसल ये रात भर नृत्यांगनाओं को द्वारा किए जाने वाला ऐसा नृत्य होता है जो द्वंद्व शैली का होता है। इसमें संगतकार और राई करने वाली नृत्यांगनाएं आपस में एक दूसरे के प्रति द्वंद्व का भाव रखती हैं और इनकी थाप और ढोल नगाड़ों की आवाज़ें लगभग एक सी होती हैं। कहा यह जाता है कि ढोलक नगाड़े पर जिस तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं, शास्त्रीय या संगीतीय तौर पर उसी तरह से इन नृत्यांगनाओं को अपना नाच करना पड़ता है। ये द्वंद्व शैली होती है जिसमें बीच बीच में स्वांग बधाई या दूसरी चीज़ें की जाती हैं और ये कई बार तो पूरी पूरी रात चलता है। इसके अलावा राई की कई सारी विशेषताएं हैं। इन राई को जो करने वाली महिलाएं होती हैं, अमूमन वो एक विशेष जाति की होती हैं जो अशोकनगर के अलावा विदिशा, सागर, राजगढ़ या आसपास के जिलों में होती हैं। नाच गाने के दौरान ये उनकी उदर पूर्ति का तो एक काम था ही, साथ ही इस ललित लोक कला को भी आगे बढ़ाने का एक जरिया माना गया था। अमूमन करीला के अलावा जिन लोगों के घरों में बधाई या लोकगीत या बच्चों की दस्तान जैसे कार्यक्रम होते हैं, वहाँ ये देखने को मिलती है। इसमें महिलाओं के द्वारा ये जो नृत्यनियाँ होती हैं, उनके द्वारा एक विशेष पोशाक होती है जो सिर्फ इसी नृत्य शैली में पाई जाती है। चटक रंग के कपड़े और घुंघरुओं की एकमात्र जो है श्रृंगार इनके ऊपर होता है, पर्दे में हमेशा ये ढकी रहती हैं। मूल जो राई होती है उसमें नृत्यांगनाएँ पूरी रात के बाद भी अपना मुंह नहीं दिखाती, पर बदले हुए परिवेश में कई सारी चीज़ें हो रही हैं, मगर मूल रूप से जो राई है वो महिलाएं नृत्य भर करती हैं। इसके अलावा ढोलक मंजीरे के अलावा नगड़िया ये इनके संगत के तौर पर रहती हैं और बुंदेली लोक कला में ये एक ऐसी शैली है जो कई दिनों तक या कई घंटों तक की जा सकती है, जिसमें समय का कोई बंधन नहीं होता। इसमें एक ढोलकिया होता है जो ढोलक बजाता है और उसी के आसपास घूमती है नृत्यांगना। एक तरह का दोनों में स्पर्धा से भी अगर और ज्यादा कहें तो आपका वो जो शब्द है कि संघर्ष है दोनों के बीच में, द्वंद है कि कौन आगे बढ़ता है। जैसे जैसे ढोलक तेज होती जाती है या उसकी थाप बढ़ती जाती है, वैसे वैसे नृत्यांगना का नृत्य और ज्यादा स्फूर्तिदायक और ज्यादा द्रुत होता है। द्रुत है, बहुत द्रुत है। गीत भी हैं, उन गीतों में अधिकांशतः तो आस्था के गीत हैं, भक्ति के गीत हैं, प्रेम के गीत हैं, कृष्ण से और राधा के या गोपियों के रास के गीत हैं। वो गीतों को सुनाया जा रहा है, उनके उन गीतों के ऊपर थाप के साथ नगाड़ा बजता है या ढोलक बजती है। करीला माता मंदिर का आज जो भव्य स्वरूप हमको देखने को मिल रहा है, कई सदियों पहले ये स्थिति ये नहीं थी। इस वाल्मीकि आश्रम की खोज कुछ सदियों पहले ही हुई थी। यहाँ पर जिन संत और महात्माओं ने काम किया है उन्होंने अनवरत तौर पर इसकी साधना की, यहाँ की सेवा की। इसके बाद सरकारों के तौर पर इसमें कई कार्यक्रम हुए, फिर ट्रस्ट बना और आज ये मंदिर बहुत भव्य तौर पर आ गया है। करीब 300-400 सालों में यहाँ पर बहुत बड़े और व्यापक स्तर पर बदलाव हुए हैं। किसी ज़माने में एक पहाड़ी हुआ करती थी, कटील के वृक्ष हुआ करते थे, यह सामान्य लोगों के लिए बड़ा दुर्गम स्थान था, मगर आज यहाँ जो व्यवस्थाएँ की गई हैं उसके बाद ये बड़ा चमकीला स्थान हो गया है, लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र बन गया है। उसके पीछे भी एक बड़ी और लंबी कहानी है। अशोकनगर से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है करीला धाम। ऐसी मान्यता है कि आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व विदिशा जिले के ग्राम दीपनाखेड़ा के महंत श्री तपसी महाराज को रात्रि में स्वप्न हुआ कि करीला ग्राम में टीले पर स्थित आश्रम में माँ जानकी व लवकुश कुछ समय से रह रहे थे। यह वाल्मीकि आश्रम वीरान पड़ा हुआ है, वहां जाकर आश्रम को जागृत करो। अगले दिन सुबह होते तपसी महाराज करीला पहाड़ी को ढूंढने के लिए चल पड़े। जैसा उन्होंने स्वप्न में देखा था ठीक वैसे ही आश्रम उन्होंने करीला पहाड़ी पर पाया। यहां करील के पेड़ अधिक संख्या में होने के कारण इस स्थान को करीला कहा जाता है। तपसी महाराज इस पहाड़ी पर ही रुक गए तथा स्वयं ही आश्रम की साफ सफाई में जुट गए। उन्हें देख आसपास के ग्रामीण जनों ने भी उनका सहयोग किया। तपसी महाराज ने लगभग 40 वर्षों तक इस आश्रम में तपस्या करते हुए आश्रम की सेवा की। उनके बाद अयोध्या आश्रम से श्री बलराम दास जी महाराज करीला आए।
उन्होंने गौशाला स्थापित कराई। ऐसा कहा जाता है कि आश्रम में शेर व गौ माता साथ में रहते थे। आश्रम में कई बंदर भी थे जो आश्रम के कार्यों में हाथ बटाते थे। इसके बाद इस आश्रम में महेंद्र श्री मथुरा दास जी खड़ेश्री रहे, जो पंजाब प्रदेश से आए थे। उन्होंने भी लगभग 40 वर्षों तक आश्रम की व्यवस्था देखी। महंत मथुरा दास जी ने लगभग 12 वर्षों तक खड़े रहकर तपस्या की। वे खड़े होकर ही पूजा, स्नान, खाना व सोने की क्रिया कर लेते थे। उनके कार्यकाल में यहाँ की गौशाला में लगभग 200 गाय थी। इस प्रकार करीला धाम को लवकुश का जन्म स्थल माना जाता है। प्रति वर्ष रंग पंचमी के अवसर पर यहाँ एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ पूरे देश भर से लाखों की संख्या में लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं।